टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सीरिया को वार्षिक आधार पर 15 लाख टन से भी कुछ अधिक गेहूं के आयात की जरूरत होगी। सीरिया अपने कुल संभावित गेहूं आयात की अधिकतर मात्रा का रूस से आयात कर सकता है। पिछले वर्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर वर्षा होने के कारण सीरिया की गेहूं फसल प्रभावित हुई थी। यही वजह है कि पिछले 10 वर्षों से चल रहे आंतरिक संघर्ष, अमेरिकी प्रतिबंधों, आयात की जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी का अभाव और कोविड-19 महामारी से जूझ रही सीरिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ गया है। सीजन 2021-22 में अर्जेंटीना में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। देश में गेहूं का रिकॉर्ड 2.18 करोड़ टन उत्पादन हुआ है। इसी के साथ गेहूं के उत्पादन ने इससे पूर्व सीजन 2018-19 में हुए 1.90 करोड़ टन के सर्वोच्च स्तर को भी पीछे छोड़ दिया है। चालू सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शिकागो के सोयाबीन वायदा में बीते 4 दिनों में पहली बार तेजी आई है। कारोबारियों और विश्लेषकों का कहना है कि मांग मजबूत बनी होने से सोयाबीन की कीमत को समर्थन मिला है। हालांकि दक्षिण अमेरिका में मौसम में हुए सुधार के कारण तेजी सीमित ही बनी रही। सरसों में तेजी का रुख जारी है। जयपुर में कंडीशन की सरसों के दाम 100 रुपए तेज होकर भाव 8,200 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सलोनी आगरा में सरसों के भाव 200 रुपए की तेजी कर दाम 8,800 रुपए और शारदा आगरा ने 100 रुपए के भाव बढ़ाकर 8,600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए। भारतीय आयातकों की कमजोर मांग से बर्मा में उड़द के साथ ही अरहर की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे घरेलू बाजार में भी कीमतों पर दबाव देखा गया है। घरेलू मंडियों में उड़द की कीमतों में 50 से 75 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है, जबकि अरहर के दाम लगभग स्थिर बने रहे। देसी चने की फसल मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से ओले के नुकसान से बेकार हो चुकी है। राजस्थान में भी शोर शराबा ज्यादा है, उतनी चने की बिजाई नहीं हुई है। इन परिस्थितियों में 5200 रुपए प्रति क्विंटल के चने में कोई जोखिम नहीं है तथा किसी भी समय ग्राहक की निकलने पर 5500 रुपए बनना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए भाव में काबुली चने का पुराना स्टॉक में काफी कट चुका है। आने वाली फसल में पोल आ रही है, पिछले दिनों की बरसात से नुकसान हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में दाने लग रहे थे तथा काबुली चना एवं देसी चने में दाने लगने के बाद बरसात एवं बादल नुकसानदायक होता है। इन परिस्थितियों में वर्तमान भाव के काबुली चने में घटाकर बिकवाली नहीं करना चाहिए। गुजरात की गोंडल मंडी में नई फसल के जीरे की आवक का श्री गणेश हो चुका है। पता चला है कि नए जीरे की एक बोरी 7,000 रुपए प्रति 20 किलोग्राम की अभी तक के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर बिक चुकी है। हाल ही नए जीरे की आवक का दबाव आगामी फरवरी महीने के पहले पखवाड़े के अंत या दूसरे पखवाड़े के आरंभ में बनने का अनुमान है। आगामी दिनों में जीरे में तेजी का ही माहौल बने रहने का अनुमान है। राजस्थान की मूंग आ रही है, इसके अलावा महाराष्ट्र की मूंग 80% निबट चुकी है। यूपी बिहार की मूंग आने में अभी लंबा समय बाकी है, अभी बुआई तो नहीं हो पाई है, केवल ग्राहकी कमजोर होने के वर्तमान भाव दिखाई दे रहे हैं। आज की तारीख में मिलन करने पर बढ़िया माल में 300 दाल मिलों को नुकसान हो रहा है, जबकि हल्के माल में पड़ता है लेकिन वह माल आना कम हो गया है। इन परिस्थितियों में आगामी एक महीने के अंतराल में 500 से 600 रुपए की और तेजी लग रही है। बांग्लादेश के सोयाबीन के आयात में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। विपणन वर्ष 2021-22 अक्टूबर सितंबर के दौरान बांग्लादेश सोयाबीन का आयात 33% तक बढ़ा सकता है। वहां की लोकल मिलों द्वारा तिलनों की पेराई ज्यादा बढ़ाने से सोयाबीन के आयात में बढ़ोतरी संभव है। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।